हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। मित्रों, 26 सितंबर 2022 पौने 11 यानी 10:45 बजे की कोर्ट अपडेट के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हो चुका हूं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप सभी को बता दूं कि टोटल फ्रेश केसों की संख्या 10 है और फिर उसके बाद DCL केसेस हैं। तो अभी फ्रेश केस में प्रेजेंट टाइम की अपडेट बनाऊँ तो चौथा आपका एज अ फ्रेश केस ट्रीट किया जा रहा है कोर्ट नंबर 1 में, यानी चौथा फ्रेश केस को लिया गया है, टेकअप किया गया है और आपके टोटल 10 फ्रेश केसेस हैं। तो अगर मैं फ्रेश केसों की बात करूँ तो इसको समाप्त होते होते लगभग 11 बजे आपके सारे फ्रेश केसेस समाप्त होने की पूरी पूरी संभावना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करूँ तो टोटल 55 के लगभग आपके DCL केसेस हैं, यानी डेली कॉज लिस्ट में लगभग 55 हैं, 56 या 54 भी हो सकते हैं, इसमें लगभग 55 के पास केसेस हैं ये। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपके माननीय जस्टिस दोनों पर डिपेंड करता है, आपके पंकज जायसवाल और इरशाद अली जी पे, कि अगर वो स्वविवेक का अगर इस्तेमाल करते हैं और उनको लगता है कि आपका एडिशनल, क्योंकि एडिशनल में आपका ही बस केस है और कोई भी एडिशनल में केस नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चांसेस हो सकते हैं कि फ्रेश के बाद अगर आपका केस उठाया गया तो बहुत अच्छी उम्मीद रहेगी। और आपके कोर्ट रूम में सभी आपके जितने भी बीएड बीडीसी के लीगल टीम के जितने भी माननीय सदस्यगण हैं सब मौजूद हैं, उनके साथ उनके पूरे अधिवक्ताओं की पैनल टीम पूरी मौजूद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे अब आप पैरवी जो होगी बहुत मजबूती से होने वाली है। तो प्रेजेंट टाइम की कोर्ट अपडेट में आप लोगों के लिए ये। और एक बात बता दूं, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा घिरा हुआ है विपक्ष का, आज रखा जाएगा, जैसे ही आपके माथुर सर का पूरा कंप्लीट होगा, कालिया सर है, उसके बाद अनिल तिवारी जी हैं, तो इनका जैसे सबमिशन कंप्लीट होता तो विपक्ष को अगर टाइम रहता तो विपक्ष को भी मौका मिलेगा। तो विपक्ष के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या है वो, कि परीक्षा के बाद ये क्यों लगाया गया कट ऑफ, उनके द्वारा ये कट ऑफ या पासिंग मार्क्स क्यों लगाया गया। उनके द्वारा ये भी कहना है कि कट ऑफ पासिंग मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता है। ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी परीक्षा में देश के परीक्षा के बाद कट ऑफ नहीं निर्धारित होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नज़र उठा के नहीं देख सकते कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके कट ऑफ परीक्षा के बाद लगाए जाते हैं। और ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जिस दिन कोर्ट में ये अपने अधिवक्ता ये साबित कर गए कि सहायक अध्यापक भर्ती भी आपकी एक परीक्षा है, जो परीक्षा और ऐसी वजह से नहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षा है, और ये साबित हो गया तो ये तय बात है कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह इस प्रतियोगी परीक्षा में भी कट ऑफ बाद में लगाया गया और किसी पार्टिकुलर एक ग्रुप को देखते हुए नहीं लगाया गया। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है अपनी टीम की तरफ से और जो कहीं ना कहीं धराशाई कर देगा सारे विपक्ष के पैमानों को, सारे उनके स्केलों को, जिस स्केल की बुनियाद पर वो खड़े हुए हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट में है, चौथा फ्रेश केस कंप्लीट होने की कगार पर है और इसके बाद टोटल 10 फ्रेश केसेस हैं। जैसे कंप्लीट होते हैं 11 बजे तक पूरी फ्रेश केसेस कंप्लीट हो जाएंगी, फिर जैसे कोई अपडेट मिलती है, अगर आपका केस टेकअप होता है तुरंत आपको अपडेट दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मैक्सिमम शेयर करते रहिए और एकजुट रहिए। धन्यवाद।